हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हेमाली भट्ट और मैं फैशन, लाइफस्टाइल और ट्रैवलिंग पर वीडियोस बनाती हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक मैं गुजराती लैंग्वेज में वीडियोस बनाती थी, पर अभी से मैंने हिंदी में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है ताकि मैक्सिमम लोग मेरा मैसेज समझ सके, मेरा मैसेज उन तक कन्वे हो सके। फ्रेंड्स, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए अभी और लाइक और शेयर कीजिए। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन नोटिफाई व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, मैं अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर सर्च कर रही थी अबाउट स्क्रब, क्योंकि मुझे स्क्रब बहुत पसंद है। मैं बहुत टाइम से जो है स्क्रब यूज करती हूँ, इनफैक्ट आई एम अ स्क्रब लवर पर्सन। तो मेरा ध्यान गया चेरेट ड्यूअर नाम की एक कंपनी पर जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स डेवलप करती है। तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ एक वॉलनट वाला जो स्क्रब आता है वही यूज किया था और कोई ट्राई नहीं किया था। तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों को भी उसका रिव्यू दे दूंगी, ताकि अगर आप भी मेरे तरह स्क्रब लवर पर्सन हो तो आप भी उसमें इन्वेस्ट कर सको। सो मेरा ये वीडियो उसी के बारे में है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही बात बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे कोई कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिए है, मैंने अपने पैसों से ये प्रोडक्ट सारे जो है वो मंगवाए हैं और मैं जो भी रिव्यूज देती हूँ वो मेरे खुद के रिव्यूज होते हैं, उस पर किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। सो यार, दैट्स इट फॉर चैटर बटर एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने सबसे पहले जो चीज ऑर्डर की थी फ्रॉम चैरियट न्यूयॉर्क वो है गाना कोको स्क्रब। ये मैंने सबसे पहले ऑर्डर किया था, अराउंड 2 वीक से मैं इसको यूज कर रही हूँ। स्मेल्स टोटली डिसेंट, उसमें आप अगर चॉकलेट ब्राउनी खाते हो तब कैसी स्मेल आती है, बिल्कुल वैसे ही स्मेल इस स्क्रब में आती है। और मैंने इसको मतलब इतना तो यूज कर भी लिया है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट आपको लगता है व्हेन यू यूज इट। तो आप बहुत स्मॉल अमाउंट लेकर इसको सिर्फ थोड़ा सा पानी डालना है एंड आपको स्क्रब कर देना है। सो ये 100 ग्राम का पैकेज है और आई थिंक आई एम सॉर्टेड फॉर 2-3 मंथ एटलीस्ट। और इसमें अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें है शुगर है, कोको पाउडर है, सी सॉल्ट है, ऑर्गन ऑयल है, आलमंड ऑयल है, वॉलनट है, शेल पाउडर है। सो काफ़ी रिच इंग्रेडिएंट्स है उसमें। और ये यूज करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट नेचुरली मॉइस्चराइज योर स्किन। आपको वो जब आप फेस वॉश या आप कोई भी बॉडी स्क्रब है वो कर रहे हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि स्क्रबिंग के साथ साथ ये मॉइस्चराइज भी अच्छे से आपकी स्किन को करता है। तो सबसे पहले मैंने यही प्रोडक्ट मंगवाया था ट्राई करने के लिए कि मुझे दूसरे प्रोडक्ट्स मंगवाने के लिए। या दैट्स इट, गाना कोको स्क्रब। फ्रेंड्स, उसके बाद जो दूसरी चीज मैंने ऑर्डर की है वो अगेन इट्स अ स्क्रब, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट आई एम अ स्क्रब लवर पर्सन और मैं ऑलमोस्ट वीक में 2 बार स्क्रब करती हूँ अपने फेस को या फिर बॉडी को। मैंने अभी तक इसको अपन नहीं किया है। सो इट्स अ शिया शुगर स्क्रब और इसकी MRP भी 1299 है, बट ये मुझे आफ्टर 80% और समथिंग डिस्काउंट के बाद 199 रुपीज में मिला था। और इसकी प्राइस मैं बताना भूल गई, ये जो गाना कोको स्क्रब है इसकी प्राइस मुझे 299 में मिला था। सो इट्स टोटली वर्थ द प्राइस, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो अभी देखते हैं कि इसको ओपन करके देखते हैं। इसमें लिखा है हेवन ऑन द अर्थ, तो कुछ इस प्रकार की इसकी जो पैकिंग है वो आपको मिल जाती है। बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अच्छी पैकिंग है इसकी, इम्प्रेसिव पैकिंग है आई मस्ट से दैट। तो देखते हैं अभी इसकी स्मेल वगैरह सब कैसी है। मैंने ये उसको उल्टा ही ओपन किया है। ओके, सो दिस इज द शिया शुगर स्क्रब और बहुत ही अच्छी सी पैकिंग है इसकी भी प्रीवियस वाली जैसी। वाओ, अगर कैमरे की स्क्रीन ना होती तो मैं शायद आपको कहती कि आप प्लीज उसको स्मेल करो, बिकॉज इट स्मेल्स लाइक हेवन, बहुत ही अच्छी स्मेल है। और उसका यूज करके मुझे कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं वो मैं आपको फिर अपने जो दूसरे वीडियोस है उसमें दिखा दूंगी कि इसके आफ्टर यूज रिव्यूज कैसे है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया है। मैंने इसको यूज कर लिया है, इट्स हेवन। तो मैं एक क्लिप जो है वो इस वीडियो में ही ऐड कर दूंगी कि मैं इसका ट्राई ऑन हॉल कर रही हूँ, तब मैं आपको दिखा दूंगी। सो या, दिस 2 स्क्रब्स आर अमेजिंग और मैं तो पर्सनली इस जो कोको गाना स्क्रब है उसकी फैन हो चुकी हूँ ऑलरेडी।
और इसका यूज करके देखते हैं कि ये कैसा है। साथ साथ मैंने दो लिपस्टिक्स भी ऑर्डर की थी, उसको भी मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, मुझे उसका कुछ ऐसा पैकेजिंग मिला था। सो देखते हैं कि ये जो लिपस्टिक्स है वो मुझे काफी काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिली थी, लाइक वन इज ऑफ 79 रुपीज ओनली एंड द अनदर वन इज लाइक 139 और समथिंग। में जो एग्जैक्ट करेक्ट प्राइस है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दे दूंगी, सो देट आपको आइडिया आ जाए कि मुझे ये दोनों लिपस्टिक्स है वो एग्जैक्टली कितने प्राइस पर मिली थी। सो या दिस टू आर द लिपस्टिक्स फ्रॉम चैरियट न्यूयॉर्क कंपनी, और इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही ज्यादा डिसेंट लग रही है, इम्प्रेसिव लग रही है एक्चुअली, बिकॉज इतने कम प्राइसेस में मुझे ये मिली है। अभी देखते हैं कि मैंने जैसा कलर ऑर्डर किया था वैसे ही है या फिर क्या निकलता है इसके अंदर से। सो या दिस वन इज द फर्स्ट लिपस्टिक, काफी सॉबर काइंड ऑफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मतलब काफी सॉबर है। नॉर्मल वेयर में अगर आप छोटा मोटा फंक्शन हो तो ऐसी लिपस्टिक चल जाती है, या फिर मुझे लगता है कि ये इसका जो कलर है वो डे टू डे लाइफ में या फिर नॉर्मल ऑफिस के लिए अच्छा पिगमेंटेशन है एक्चुअली। आई एम इम्प्रेस्ड विद लिपस्टिक्स एज वेल बिकॉज इसका प्राइस बहुत ही लो है, तो लो कॉस्ट में ऐसी लिपस्टिक वो कि काफी अफोर्डेबल है, तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ बैड डील, इट्स गुड डील। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, और इसका जो कलर है ये पीच कलर की है और या फिर लाइट पिंक और पीच, ये दोनों जो मिक्स होते हैं तब बनती है ऐसी। इसके शेड के बारे में बोलूं तो इट्स बॉम्बशेल शेड है इसका, और 649 इसकी MRP है और अराउंड 79 रुपीज में मुझे ये मिली थी। सो पीच और पिंक कलर का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आई थिंक फेस्टिव लुक में भी ये जो कलर है ये अच्छा लगेगा। सो या दैट इज द फर्स्ट लिपस्टिक आई हैव बॉट एंड द अनदर वन इज ओके, सो दिस वन इज द सेकंड लिपस्टिक विच आई हैव बॉट फ्रॉम द सेम कंपनी। ओके देखते हैं अभी इसको। ओके इसका भी प्राइस 649 MRP है और दिस इज हाउ इट लुक्स, बेबी पिंक कलर है इसका, लाइक मेरे बैकग्राउंड पर मेरे वॉल पर जैसा कलर लगा है वैसा ही कलर बेबी पिंक है, और या इट अगेन इट लुक्स नाइस, यू कैन सी ये भी बहुत ही अच्छा कलर है, वाइब्रेंट कलर है। सो गाइज दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो, आई होप कि मेरे ये जो रिव्यूज है वो आपको अच्छे लगे होंगे और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा थोड़ा बहुत। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जाते जाते मैं आपसे यही बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लव योर सेल्फ, टू केयर योर सेल्फ एंड टू पैम्पर योर सेल्फ। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।